अजय डोवाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दी है उसने। ठीक है, आप कंपेयर करें ना पीएम मोदी को, ठीक है, और इधर सुभाष को कंपेयर कर लें। डील करते हैं इवन यूएसए के साथ, रिसेंटली यूएसए का विजिट उनका रहा, उन्होंने बड़ी डील की। हमारे इंडिया क्या दुश्मन, वहाँ हमारे मुसलमान नहीं रहते यार। ठीक है, मुसलमानों को वो हिफाजत वैसे भी करते हैं, वहाँ बिल्कुल क्या कंगले हैं, भूखे, इनको तो खाने को नहीं मिलता। हमने इनके ऊपर एटम बम या मिसाइल वगैरह फेंके, हमने अपने मुल्क का नुकसान करना है। कितने बात की कि जनाब लोग पढ़े लिखे नहीं रहे, अनपढ़ रह गए, जाहिल रह गए, तो मुझे पता है इसमें किसका कसूर है। इंडिया ने आपकी किताबें आगे खींच ली थी कि भाई आपको पढ़ने नहीं, आपको पढ़ने नहीं देना। आप कहते रहे कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, दुश्मन के बच्चे पढ़ गए हैं और वो इतना पढ़ गए हैं वो सीओ लग गए हैं। तब कनाडा के बाद अमरीका ने भी इंडिया पर आरोप लगाया कि इंडिया अपने गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा अमरीका के अंदर अमरीकी सिटीजन को मारने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप दोस्तों बहुत बड़ा है क्योंकि यूजुअली ये सब चीज़ें होती नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन इंडिया के साथ ये सब हो रहा है। और दोस्तों आरोप लगाने वाला अमेरिका है जिसने कितने ही देशों को उजाड़ा है अपने पैसे के लिए, अपनी पावर के लिए। ये दोस्तों पहले तो कहीं पर आतंकवाद खड़े करता है, कहीं पर गवर्नमेंट गिराता है, फिर दोनों ही मतलब जो दो पार्टी बनती हैं उन दोनों ही पार्टी को हथियार सप्लाई करके वहाँ से खूब पैसे भी कमाता है। अब कहीं ना कहीं इंडिया भी उसी रास्ते पर चल रहा है जो अमेरिका की नज़रों में बहुत ज़्यादा खटक रहा है, क्योंकि इंडिया किसी को लड़ाता तो नहीं है, लेकिन जो लड़ने वाले देश हैं ना वो दोनों तरफ को कुछ ना कुछ बेच कर पैसे ज़रूर कमा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत सारे देशों से नहीं देखी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात तो ये है कि जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो ऐसे में किसी देश की, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, उसे उस देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस देश की महान अपोजिशन जिसने इस देश को आज़ाद किया था वो बाकायदा भाई अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया। तो इस टॉपिक पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन में लेकर आया हूँ, क्योंकि यार इस देश के लोगों के बारे में बात करना तो गुनाह है। चलिए पाकिस्तानी पब्लिक से ही जानते हैं कि इंडिया के इस कदम को लेकर और अमेरिका के इस आरोप को लेकर उनके क्या रिएक्शन है। आपके ख्याल से 1-to-1 अगर 1948, 1965, 1971 कारगिल, आप इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? आप 1965 की जंग में आ जाए, 1965 की जंग में हमने कहा कि हमने बड़ा डिफेंड किया, हम जीत गए। 1971 की जंग भी हम जीत गए, 48 वाली भी जीत गए, 99 वाली भी जीत गए। तो आप मुझे बताएं कि 65 की जंग में आप कहते हैं कि हमने तो उनको बाहर ही रोके रखा, तो इधर लाहौर के अंदर इंडिया के टैंक मौजूद है, वो फिर कहाँ से आए हैं? ठीक है, ठीक है, अगर तो हम ये जंग जीत चुके थे उसमें तो बाद में अमेरिका ने इंटरफेयर किया और मामला जाके आगे बढ़े। ठीक है, और हमें अभी तक तो यही बताया जाता, बल्कि हम 6 सितंबर को जो हमें दिफा बनाने भी टूर पड़ते हैं, 1971 की जंग में आ जाए। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया है। 93 वार प्रिजनर थे, 93,000 वार प्रिजनर थे। ठीक है, और उनकी उधर लटकाई हुई थी, उन्होंने क्या निकरे लटकाई हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बदनामी का बाइस बने हैं ये लोग। आप 1948 की जंग उठा के देख ले, कारगिल की देख ले, पहले तो हम माने ही नहीं कि हम जंग में थे, पहले तो हम कह रहे थे मुजाहिदीन है, वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं, दुनिया के सामने हमने ये इमेज पेश किया। ठीक है, और जब उन्होंने कहा कि आप 500 डेड बॉडीज ले लें, तो हमने उसको भी लेने से इनकार किया। ठीक है, तो बाद में हम जो है वो सब कुछ मान गए। बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं तो आपको उस मुकाम पे खड़ा रहा हूँ, पहाड़ों में खड़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं कारगिल के पहाड़ों में। तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल सतह पे आपका क्या इमेज बन रहा है, एक तरफ आप इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो चले सारी दुनिया को पता है कौन जीता कौन हारा, नो डाउट हम पाकिस्तानी है, फिर जाहिर बात है जब इंसल्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कि जीते हारे, लेकिन रियलिटी सबको पता है। मुझे बताएं एक बार से मैं डिसएग्री करता हूँ स्टार्ट में ही, आपने बोला कि भाई जिस कंट्री ने 4 जंगें लड़ी हैं उसने क्या डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अगर आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, तो इंडिया ने भी तो 4 की बजाय 5 लड़ी हैं, 4 पाकिस्तान से 1 चाइना से, वो 5 जंगें लड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और आप 3री बनने जा रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे जंगों लड़ने वाले कंट्री जो उनसे वो आगे नहीं जा सकते, तो फिर इंडिया कैसे चला गया? देखिए उनकी जंगों में हमारी जंगों में फर्क है, हमने बिला वजह वो जंग जो लड़ते हैं वो अपनी कौम के लिए और अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं। हमने जंगे जो लड़ी है रशिया के लिए लड़ी है जंग, ठीक है, रशिया को हमने उसको उसमें इख्तलाफ सपोर्ट नहीं किया, अमेरिका की सपोर्ट में जाके हमने डॉलरों की वजह से जाके रशिया के साथ मिल अमेरिका के साथ मिल गए, रशिया के साथ जंग लड़ी। उसके बाद हमने जो है वो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी तालिबान के साथ मिलके। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, अब फिर चाइना के लिए हमने जंग लड़नी शुरू कर दी, हम कब तक हम दूसरों की जंगों में क्यों जाते हैं? हमें दूसरों की जंगों में जाना नहीं चाहिए, हमें तो अपने मुल्क के मुफाद को सामने रखना चाहिए। रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, हमें क्या लड़ रहा है यूक्रेन क्या है क्या नहीं है, हमें तो रशिया से तेल लेना चाहिए था सस्ता जो हमें मिल रहा है, हमारे बच्चों को फायदा था। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान ने 70,000 जाने दी हैं, जो है। किसी खाते में भी नहीं आती अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर, और अभी तक अफगानिस्तान वाला जो मसला तालिबान मसला अभी तक हमें मुसलत है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है और वहां से स्मगलिंग होकर चीजें आती हैं, अभी भी वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हालांकि उनको हमने
50,000 से ज्यादा अफगानी मुहाजरीन को अपने यहाँ पे ठहराया। लेकिन आज भी हम ये कहते हैं अफगानिस्तान, ये नजर भी आता है, कहते नहीं सिर्फ नजर आता है, अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं, हम उनसे नाराज हैं, जबकि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब हमने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दे दिए, ठीक है, टारगेट कर सके अफगानिस्तान को। मुझे बताएं अगर इंडिया हमारा या इंडिया या बांग्लादेश या इवन ईरान किसी मुल्क को फौजी अड्डे देता और वो पाकिस्तान पे हमला करता, तो मेरे लिए उसके लिए मोहब्बत तो नहीं ना जागेगी। हाँ, मैं तो कहूंगा ये इन्होंने मेरी सरजमीन इस्तेमाल कर, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने किया और उसके ऊपर अफगानिस्तान वाले गुस्सा तो करेंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को क्यों गुस्सा है। अगर लेट्स सपोज ईरान अमेरिका को या दुनिया के किसी कंट्री को भी अपनी सरजमीन देता है कि लो जी आप यहाँ से खड़े होके या यहाँ पे अड्डे बना के पाकिस्तान पे अटैक करो, तो क्या पाकिस्तानी लोग ईरान से मोहब्बत करेंगे? या इंडिया अगर जगह देता है लेट्स सपोज, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे हाँ भाई इंडिया गलत कर रहा है? लेकिन दिलशाद भाई यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली हैं। आपने ये बोला कि भाई क्या नाम लेते हैं, जब यहाँ पे हम जंग अपनी, हमने जंग नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी जंग लड़ी, लेकिन जंग तो जंग होती है ना, वो कैसे अचानक आके आगे डेवलपमेंट में, कैसे टेक्नोलॉजी में आके आगे, कब वो आगे आगे, यहाँ पे क्या कल्चर था प्रमोट हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था? ये तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया सोते सोते ही जो है वो एक दिन ऐसा आया कि वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया, इसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। जब हम यहाँ पे तालिबान को ट्रेनिंग दे रहे थे, असला कल्चर फरा रहे थे, शिया सुनी काफर के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर AK-47 कल्चर आ रहा था, उस वक्त उन्होंने IIT की बुनियाद रखी और IIT की बुनियाद रखी, और आज आप देख ले कि जो CEO है गूगल का सुंदर पिचाई वो कहाँ से, वो IIT से पढ़ा हुआ इंडिया का बंदा है, है। तो उस वक्त उनकी प्रायोरिटीज ये थी कि उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट किया, अपने एजुकेशन सेक्टर पे, और हमने किस चीज पे इन्वेस्ट किया, इस मुल्क से पैसे ले और इस मुल्क के लिए जंग लड़ ले, ठीक है। तो हमें तो अपना स्टांस नजर ही नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं थी अफगानिस्तान की जंग में शिरकत करने की। मैं कहता हूँ अमेरिका की फिर जरूरत क्यों नहीं होती कि वो चाइना के अंदर इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से करे जैसे पाकिस्तान में करता है? नहीं, अमेरिका की दुश्मन जरूरत क्यों नहीं होती कि वो इंडिया में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करे जैसे वो पाकिस्तान में करता है? इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं मौका देते हैं तो वो लोग इन्वॉल्वमेंट, जाहिर है हमारा कसूर तो है कि हम अगर कहें कि जैसे रशिया है, चाइना है, इवन ईरान है, ईरान मुदाखलत नहीं करने देता अमेरिका को अपने अंदर, ठीक है, ठीक है, तो हम क्यों मुदाखलत करने देते हैं? इवन हमारे परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो तो एक कॉल आती थी अमेरिका से वो लेट जाते थे, ठीक है। हमारे दूसरे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनका आप हाल देख लें, नवाज शरीफ हमारा बराक ओबामा के सामने जाकर बैठता और टिश्यू से हाथ साफ करने लग जाता है, पसीना आ जाता है, आपको बात करने का तरीके का पता नहीं चलता, ठीक है। आप कंपेयर करें ना PM मोदी को, ठीक है, और इधर शहबाज शरीफ को कंपेयर कर लें, शहबाज शरीफ को सिर्फ ये काम आता है कि उसी तरीके से मांग सकता है जो कि वो हर मुल्क में जाके मांगता है, ठीक है। इवन वो खुद कहता है कि जब हम जाते हैं तो भारत में भिखारी समझते, वो कहते हैं लोग भी फिर आ गए पैसे मांगने के लिए, ठीक है। मुझे बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी जब किसी मुल्क का दौरा करता है तो क्या वो अगला जो हेड ऑफ स्टेट है वो ये सोच रहा होता है कि ये पैसे मांगने आया? नहीं, वो तो डील करते हैं। इवन USA के साथ रिसेंटली USA का विजिट उनका रहा, उन्होंने बड़ी डील की। अच्छा, आपने तो प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर कंपैरिजन किया है, मैं कहता हूँ फॉरेन मिनिस्टर जो रिसेंटली SEO की मीटिंग हुई है, उनके फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर में क्या कंपैरिजन, क्या बनता है? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज का देख लें, आप उनका कॉन्फिडेंस का देख लें, आप उनका नॉलेज का देख लें, आप उनके एक्सपीरियंस का देख लें, आप जिस फील्ड में भी देख लें, 30-40 साल एक बंदे ने सर्व किया फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और एक वो बंदा जो कि फाइनेंस का भी मुझे लगता है पता नहीं है या नहीं, हमने उसको उठा के लगा दिया, इसहाक डार को लगा दिया, दूसरी तरफ हमने मोहसिन नकवी को लगाया हुआ है। अच्छा, मोहसिन नकवी से याद है, सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन किया फॉरेन मिनिस्टर का, हम पाकिस्तान के जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर जिसे हम कहते हैं जी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, मोहसिन नकवी है, जो कभी क्रिकेट को भी देखते हैं, कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भी देखते हैं कि कैसे रोका जाए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चीफ जो उनसे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, और उनके जो उनसे अपना चीफ है सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम है अजीत डोवल, क्या कोई कंपैरिजन है? आपको क्या कहना चाहेंगे? ये मोहसिन नकवी की आपने जो बात की है ना, ये इंतहाई करप्ट पॉलिटिशियन है, ठीक है, और इसने देखे कि पहले क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, हमने इंग्लैंड से 800 स्कोर से ज्यादा करवा लिया है, 804 स्कोर करवाया टेस्ट क्रिकेट में, मैंने जब तक मैं टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ मैंने 800 स्कोर नहीं देखा, 500-600 आईएस स्कोर देखते हैं, क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवा दिया, वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या हुआ है सारी दुनिया ने देखा है, ठीक है, इवन हम आगे क्वालिफाई नहीं कर सके क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के बाद, फिर कहीं ना कहीं हम बर्दाश्त कर लेते हैं यार, कोई नहीं मसला, गेम में हार जीत होती रहती है, इधर पाकिस्तान में जो बदनामी हो रही है वो कैसे बर्दाश्त? क्रिकेट के बाद उनको पास सिक्योरिटी का चार्ज था, वजीर दाखला का चार्ज था, उसमें भी उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, कभी कहीं धमाका हो रहा है, कभी कहीं धमाका हो रहा है, ठीक है, वो जिसके टाउट है वो भी हमें पता है, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, सीधी बात है, मुझे बताएं एक बंदे का फेस ही नहीं है, एक बंदे का नाम ही नहीं है,
ठीक है, आपने उसको तीन ऊपर से उसको अपने सेनेटर भी बनाया हुआ है। ये कोई सेंस बनती है? एक ऐसा बंदा अगर वो काउंसलर का इलेक्शन लड़े तो मैं शर्त लगा कह सकता हूँ वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं। ठीक है, चले इधर एक और बड़ा जबरदस्त सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं पाकिस्तान के जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इंडिया के, देखे मसले तो वहां पे भी होंगे सिक्योरिटी के, वो इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मसले तो वहां पे होंगे, उनके चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर और हमारे चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर आपको अगर कमेंट करने का मौका मिले। नो डाउट इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है और जितनी बड़ी आबादी है उनके अंदर भी मसले मसाइल है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही ठीक चल रहे हैं। होंगे, ये कमेंट में लोग बता दें, वो कमेंट में लोग बता दें, उधर भी गुरबत के मसाइल हैं, उधर भी बाकी चीजों के मसाइल हैं, कश्मीर में बहुत सारे टेररिज्म का सामना करना पड़ता है, खालिस्तान वाला मसला कभी उठ जाता है, कभी जुबान पे कोई मसला उठ जाता है, कभी मजहबी तफरके भी थोड़े बहुत हो जाते हैं। जाहिर है इतना बड़ी कौम है, इतने बड़े लोग हैं तो मसले हो जाते हैं। अब मोहसिन नकवी को आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो मुझे आप पे हैरानगी आ रही है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं आप मुझसे कि एक मोहसिन नकवी को आप उस बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अजीत अजीत डोवाल है, अजीत डोवाल मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती उसकी, वो जो बंदा है ठीक है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं चीफ स्टार मोहसिन नकवी के साथ कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का मुझे बताएं क्या एक्सपीरियंस है, तीन फील्ड के अंदर है ना, वो सेनेटर है, वजीर दाखला है, मुझे बताएं इसमें क्या एक्सपीरियंस है। अजीत डोवाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अब मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दी है उसने, और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मारते मारते मरते मरते वो बचा है, ठीक है। उनके अंदर इंटरनल मिसाइल पैदा हो गए थे। मैंने भी एक पूरा ये देखा था, मैंने सुना था डॉक्यूमेंट्री के भाई अजीत डोवाल पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने बकायदा तौर पे जोन सेना एक ऐसा प्लान सेट कर लिया था कि दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है उसे यहाँ पे मार दिया जाएगा, ऐसा प्लान किया था। लेकिन उनकी शायद वहाँ पे उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट का इशू था, गवर्नमेंट नहीं आ रही थी या जा रही थी, कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से वो प्लान पूरा नहीं हो सका। लेकिन नो डाउट देखें उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सिंसेरिटी भी मैटर करती है? अगर मैं पाकिस्तान के साथ सिंसेयर होऊंगा, चाहे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है एक मिनट के लिए मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से इतना बड़े ब्लंडर नहीं होंगे जो हमारे पॉलिटिशियन से हो रहे हैं। कम से कम सिंसेयर होना तो लाजमी है कि नहीं? नॉन प्रोफेशनल, निकम्मे, नाहल और इंतहाई जो है ना वो घटिया लोग हैं जो कि हमारे इस टाइम करप्ट पॉलिटिशियंस की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत है, और इनको जिन लोगों ने मुसल्लत किया हम उनको भी जानते हैं, ठीक है। और ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ, और जब तक मुझे लगता है कि जब तक ये लोग हमारी जान नहीं छोड़ेंगे या ये राह रास्त पे नहीं आते तब तक हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। आप रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं जनाबे आला कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे बेहतर होगा, भाई दोनों की सोच में फर्क है। उन्होंने एक लंबी प्लानिंग की, आईआईटी आज की बनी हुई है यार, 30 साल से अब वो आईटी आईटी सिटीज बना रहे हैं यार, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर हाउसेस बना रहे हैं, वो हेल्थ के अंदर कितना आगे चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे अमराज है जिनका इलाज नहीं इंडिया में होता, पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से पेशेंट इंडिया जाते हैं, मैं कई को जानता हूँ, खासतौर पे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत से लोग जाते हैं, और बहुत मैंने ये सुना है बहुत मुनासिब बहुत सस्ता होता है वहाँ पे ट्रांसप्लांट, वहाँ पे ट्रीटमेंट। अगर लोग जो लोग वहाँ से देखते हैं कमेंट में, ये चीजें हमें नॉलेज में बेहतरी आ जाती है, इसलिए कमेंट में जरूर बताया करें। दिलशाद भाई क्या वजह है आज हम हेल्थ में पीछे हैं? मैं कहता हूँ अगर इंडिया से दुश्मनी करनी है कर लें, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, इकोनॉमी, इन चीजों में क्यों नहीं? इन बेवकूफों को किसी ने बता दिया कि तरक्की इसी का नाम है कि बंदूक पकड़ो और अगले को खत्म कर दो। तरक्की इस चीज का नाम है कि अगले को भी एग्जिस्ट करने दो, खुद भी एग्जिस्ट करो और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करो, अपने 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 कौम के लाइफस्टाइल को बेहतर करो कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, आपका बच्चा अच्छी तालीम ले रहा है, आपका बच्चा अच्छी सेहत ले रहा है, आपके बच्चों का जानो माल हिफाजत में है। आप मुझे किसी पाकिस्तानी से पूछे क्या उनको लगता है कि उनके बच्चे का पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ और अमनो मान की सूरत हाल से वो सेटिस्फाइड है? कोई बंदा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरे बच्चे का फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेटल्ड है। तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान की जितनी प्रोटेक्शन है ना, ये अंग्रेज कौन है? ईसाई है। अच्छा, ईसाइयों के ये पैरोकार है जो हमारे मजहब से मुसाफिर नहीं रखते। कौन ईसाइयों के पैरोकार है? ये जो हमारे हुक्मरान है, ये नहीं, ये नया मंतक उन्होंने बता दिया कि हम ईसाई जो हमारे ये किसी ने आज तक नहीं कहा होगा। अच्छा, कि हमारे जितने हुक्मरान है ये ईसाइयों को पैरोकार है? ये तो इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है, मतलब मुसलमान है, हम मुसलमान है, मुसलमान है ना, हम ईसाइयों को पैरवी करते हैं, यहूदी की पैरवी करते हैं। कौन करता है भाई? हमारे हुक्मरान करते हैं, जितने भी हुक्मरान हमारे बैठे हुए इस वक्त के, ठीक है। ये नहीं जो हम कह रहे हैं कि फलाने
इस वक्त जो हमारे मजहब के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात कही इन्होंने ठीक है, लेकिन एंगल गलत बताया। उनके कहने का मतलब था कि पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल की गाइडलाइंस लेता है और वो आगे चलता है, लेकिन उन्होंने वो अल्फाज गलत इस्तेमाल किए, रंग दे दिया जो कि मेरे ख्याल से रंग नहीं है। पाकिस्तान है, इसको खुद मुख्तियार होना चाहिए, ठीक है ना? किसी का यहाँ पे इधर आए और उसको हुक्म चले, हमारे हुक्मरान है ना, इनको चाहिए अपनी आवाम की खिदमत करे, इनको हम वोट देते हैं, इनको चाहिए हमारे मुल्क में बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करें। लेकिन मुझे चले ये बताएं क्या वजह अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करता है? ऐसे ही उसका दिल किया कि आज पाकिस्तान में जाके इन्वॉल्वमेंट करें, तो उन्होंने कहा चलो जी पाकिस्तान चलो, क्या वजह? उसमें उनको पता है कि यहाँ गद्दार है, ठीक है ना, ये शुरू से आ रहे गद्दार, आज से नहीं, 1947 से ये लोग आ रहे हैं, उस वक्त की ये मुसल्लत, इन्होंने कह दिया तुमको वोट नहीं दिया था जो आज हम पर मुसल्लत है, ठीक है, ठीक है ना, इन्होंने वैसे मजहब के नाम पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई की, हाँ जी, आज शिया सुन्नी के नाम पे ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं हमारे आपस में, आवाम बेवकूफ है ना जो इनकी बातों में, आवाम भाई जहल है, जहल के, इनको इल्म इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, किसका कसूर है? अगर आवाम पढ़ते है ना, अगर लोग पढ़ जाते स्टार्ट से ही, इन्होंने हमें सबसे नीचे करने का क्या तरीका है, हमें ये बता दिया इंडिया दुश्मन, मैंने आपको बताया हमारे इंडिया क्या दुश्मन, वहाँ हमारे मुसलमान नहीं रहते यार, ठीक है, मुसलमानों को वो हिफाजत वैसे करते हैं, वहाँ उनको देखे ना, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, उनके कॉलेज बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हमारा उनसे मुकाबला होना चाहिए था, इन चीजों में होना चाहिए, चीजों पर मुकाबला होना चाहिए था ना, अब हम क्या जामे इंडिया से जंग लड़ेंगे, हम कैसे जंग लड़ेंगे, हम मेरे ख्याल में हम जंग नहीं लड़ सकते उनसे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।